नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा YouTube चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज थोड़ा धूप दे रहा है, तो धूप दे रहा है हम लोग, ये देखो वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ ऐसा कपड़ा सुखा के रखा है। और आज कपड़ा भी धुलाई हो गया सुबह के काम, और सुबह का काम सारा हो गया। हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गया, और मैं अभी वो हस्बैंड क्या बोलता है हम लोग का वो आसामीज में रोकते हैं बोलता है, इनको देखो ये है मेरा बेटा, पता नहीं क्या कर रहा है ये पानी में आके। डुबा बोला पानी ऐसे बोला, जैसे दरवाजा खोल देगा ना वैसे बाहर आके बस पानी में खेलना चाहिए, इसको सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं। ओ यार धुआ रोबा मैं धुआ दी रोबा इसको धुला लेगा। मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हस्बैंड वो टेंगा काट रहा है, टेंगा को इंग्लिश में पोमेलो बोलता है। तो हस्बैंड बच्चा बहुत खुश है क्योंकि उसका वो तो टेंगा खा के ऐसे ही अच्छा लगता है, उसको फेवरेट है टेंगा, कुछ भी टेंगा दीजिए वो खा देगा, खट्टा चीज उसको बहुत पसंद है। तो अभी वो हस्बैंड काट रहा है तो ये खुशी के मारे रह ही नहीं पा रहा, कुछ कुछ खुशी में गाना भी गा रहा है। ये पोमेलो खट्टा नहीं है क्योंकि खट्टा बोलता है, ये मीठा है तो इसलिए ये बहुत जोर से ज़्यादा ही खा देता है बच्चा। तो अभी हम लोग खाएगा इसको, अभी निकाल निकाल के इसका पापा रख रहा है लेकिन रख नहीं पा रहा है क्योंकि ये जैसे निकाल के रख रहा है वैसे ही खा रहा है। और हस्बैंड मुझे बता रहा है क्या क्या बेनिफिट होता है, एक तो डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है, उसके बाद जो कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है, और बहुत कुछ इसका फ़ायदा है। और ठंडा के सीजन में तो इसको खाना ही चाहिए, कुछ लोग तो इसको ठंडा बोल के नहीं खाता है क्योंकि सर्दी के मौसम से ये खाने से जुकाम होता है बोल के बोलता है, लेकिन नहीं ये गर्म जब सुबह धूप निकलेगा धूप का टाइम में इसको खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आप देखिए ये कैसा मुंह भर भर के खा रहा है, इसको मैं मांग रहा हूँ मुझे नहीं दे रहा है, थोड़ा तो दो बोल रहा नहीं नहीं देगा तो ऐसे दे के ले रहा है। अभी चालू भी हो गया है ये, मुझे सताना भी सीख गया है, इसका पापा सिर्फ हंस रहा है और कुछ नहीं। चलो तो हम लोग इसे खा रहे हैं, उसके बाद दो फिर से मिलेंगे। तो अभी मेरा जो छोटा भाई है वो स्कूल से आ गया, स्कूल से आ के ये देखो सोफों का सारा कुशन निकाल के ये लोग एक खेल बना रहा है, घर बना रहा है बिस्तर के ऊपर में ही। इधर एक इसका घर है इसके मेरा भाई का घर। जब से ये जाना माना हो गया बच्चा तब से क्या कर रहा है, कभी भी मैं सोफों को अच्छे से रख ही नहीं पाते क्योंकि ये सब निकाल निकाल के ऐसे ही खेलते रहता है। और जब अभी रात सोने का टाइम होगा ना तब ऐसे ही रख देगा, फिर सुबह उठ कर ऐसे ही खेल लगा के जाएगा। तो ये खेलते रहे तो मैंने अभी शाम को होने को है हस्बैंड कुछ सामान लाया था वो भी सबमिट लूँ। भाई को थोड़े देर सोने के लिए बोला है क्योंकि उसको रात को पढ़ाई भी करना है, और इसको पास में बुला लिया और इसको भुजिया ऐसे दे के बिठा के रखा है और ये खा रहा है। और मैं जो दाल साल कुछ हम लोग का महीने का जो राशन है उसको समेट रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी चीज़ हो ऐसे फैला के रखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, जो भी चीज़ हो एक साथ समेट के रखना अच्छा लगता है इसके, इसलिए इन लोगों को सब बारीक बारीक में इसको एक एक करके समेट रहा हूँ। ये चना दाल है कुछ दिन पहले ही लाया था, इन दोनों को भी एक साथ करके रख देता हूँ क्योंकि साइड में जब दो साइड में रखने से ढूंढने से भी नहीं मिलता है कप कप बनाने के लिए, तो इसलिए ये दोनों को एक साथ रख गया। और जो मेरा एक एक चीज है वो बड़ा डिब्बा में करके घुसा के रख देता हूँ क्योंकि मैं देख पाता हूँ ना, इसलिए इन लोगों को एक साथ ही रखता हूँ। उसके बाद जितना भी सामान था सब अभी इसको देखो ये खा लिया और नीचे भी छोड़ दिया, अभी इसको चाहिए बिस्किट देख मिला उसको बिस्किट अभी खाने के लिए चाहिए, तो अभी मैंने भी इसको खोल के दे दिया और बिस्कुट उधर डालने घुसाने के लिए दे दिया डिब्बे में क्योंकि ये मुझे देख रहा है ना तो इसको भी कुछ करने के लिए चाहिए, ये मुझे बोल रहा है कि माँ मैं भी करूँगी, तो इसके लिए इसको क्या क्या बिस्कुट निकाल के इसको दे दिया। अभी मैं इसको बिस्कुट खोल के दे रहा हूँ, वो बिस्कुट देख के खुशी के मारे रह नहीं रहा चिल्ला दे रहा है। अभी वो एक एक बारी बारी क्या करेगा करेगा उसको देके रख देता है। और मेरे वो चीनी सीनी जो है उसको डाल रहा लिया, अभी मैंने मम्मी ने सिखाया था कि चीनी में मैंने गया महीना क्या हुआ सारा चीनी में वो कीड़ा घुस गया था, इसलिए मैंने क्या किया इस बार लौंग डालेगा बोला, सोचा मम्मी को फोन किया ऐसा ऐसा हो रहा है क्या करेगा, मम्मी बोला नहीं तुम उसमें चीनी में लौंग डाल के रखो नहीं घुसेगा, तो इसीलिए चीनी को ऐसा डाल लिया डाल के उसको लौंग डाल देगा। अभी इसको देखो एक एक घुसाने से होगा ये सारा घुसा दे रहा है, अभी मैंने वो पोल्टिन को ऐसे लगा के घुसाया ना अभी वो भी मेरा देख के अभी कॉपी करेगा देखिएगा, क्योंकि
बच्चा तो ज्यादा से ज्यादा मम्मी को ही कॉपी करता है, अभी मम्मी को ही देख देख के सीखता है। ये देखिए, ये सब जो डालना था सब बाहर डाल दिया। अभी अभी क्या करेगा, अभी उसको देखिए, मेरा भी चीनी डाल दिया, उसमें तीन ठो लौंग डाल के उसको ऐसे मिक्स करके रख दिया हूँ। ये सारा इसको भी उसको डाल घुसा लेता हूँ, क्योंकि ये बच्चा मेरा सारा बिखर दे दिया बिस्कुट। हम लोग का पर्स रोज साफ करता है, आप लोग सोचते होंगे कि मिट्टी में गिरा उसको ऐसे डाल के रखा, नहीं, हम लोग हमें रोज सुबह इसको साफ करता हूँ, क्योंकि हम लोग का पर्स ऐसे ही कलर का है, क्योंकि ये बहुत पुराना घर है। ये सब बाद में बार होते रहेगा। अभी लौंग इलायची को इसको ऐसे डिब्बे में डाल के रख देना, वो अपना जितना खाएगा बिस्कुट। देखिए ये बिस्कुट निकाल लिया, वो जितना खाएगा उतना। अभी वो बिस्कुट निकाल के क्या करेगा तो अब दिखते रहिए। इतना सारा बिस्कुट ले लिया, अभी बिस्कुट खाने से अभी सारा रात को खाना ही नहीं खाएगा। बिस्कुट भी ले लिया, देख ढक्कन भी लगा लिया है अच्छी तरह से। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, कोई भी जिद्दी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ थोड़ा बहुत तो करेगा, क्योंकि बच्चा है ना। अभी मेरे जैसा रखा वो डिब्बा अपने जगह पे जाके रख दिया और वो निकल गया। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय। मैंने तो बाय बाय कर दिया, फिर से मैंने स्टार्ट किया। आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मैं हिंदी भाषा में कुछ भी गलत बोलूँ तो अपना दोस्त समझ के मुझे माफ़ी कर दीजिएगा, और जो राइट है वो मुझे समझा दीजिएगा, ठीक है। तो यही उम्मीद से मैं आपका ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक लिए फिर से बाय बाय।